हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं और आज पहला बांध है। कल रात जगी थी, उसकी मैंने वीडियो बनाई है बट ब्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए बीच में जो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इसके बाद मैं कल की वीडियो डालूंगी जो रात जगा हुआ था, और बाकी जितनी भी क्लिप्स थी वो सारी मैं इसी ब्लॉग के बीच में ही डालूंगी, ठीक है। इसलिए आज से स्टार्ट किया है क्योंकि कल मैंने मेरे तो हाथ में फ़ोन भी नहीं था, और मैं सच बता रही हूँ दो गोलियाँ लेके मैं उठी हूँ, सांस चढ़े हुए हैं, बट क्या करूँ, पहला बांध है और मैं भाभी उठना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। कोशिश करी थी कि एक चाम के साथ आप लोगों के साथ आऊँ, लेकिन दो शब्द बोलने के बाद फिर से सांस फूल गई, बट ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ। और अब ये बांध बैठने जा रही है, पीछे रेडी हो गई है, सब रेडी हो चुके हैं, ठीक है। बस अभी जो बांध की जो भी तैयारियाँ हैं वो हो चुकी हैं, अभी जैसे जैसे होएगा वो आप लोगों के सामने होगा। क्लिप्स मैं नहीं बनाऊंगी, वीडियो कोई और ही बनाएगा, ठीक है, मैं आपको वीडियो में नजर आऊंगी, ठीक है। और ब्लॉग स्टार्ट करूँ ना करूँ, वीडियो आपको जरूर मिलेंगी। मैंने पहना है फ्रॉक सूट, ये बटरफ्लाई वाला जो मैंने अभी बनवाया था, ठीक है। और बस सिंपली रेडी हुई हूँ क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, बहुत ज़्यादा पेन है, पीरियड्स का फर्स्ट डे है, आप लोग समझ सकते हो, तो बहुत बुरी हालत है। मैं जल्दी से जाती हूँ बाहर, सब लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मीनू को बिठा दिया है और ये सामने रखा हुआ है परात में जौ, नमक, मोटा वाला नमक, हल्दी की गांठें, ठीक है। और मैं यहाँ पे बाहर आ गई थी तो सबके पैर छू रही थी, जो भी बड़ी लेडीज़ थी, बड़ी लेडीज़ के पैर और उससे यंग वाले के पैर छू रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी शुरू होने जा रहा है, जैसे मैं पेयर में करते हैं ये चीज़, अभी आप लोगों के सामने ही होगा देखना, जैसे दो लेडीज़ एक साथ बैठ के ऐसे हाथ में हाथ डाल के जौ को उठाएंगे एक साथ, और इस जो ये रखे हैं ना ओखली टाइप, इसके अंदर डालेंगे कुंडे के अंदर, ठीक है। 7 टाइम करना होता है ये प्रोसीजर, एक बार उधर से उठाना होता है, एक बार उधर से, बाउंड्री लगाई हुई ना बीच में मीडिएटर, तो इसके एक बार इधर से एक बार उधर से ऐसे उठा उठा के 7 टाइम डालना होता है, ठीक है। तो ये पेयर में होता है सब लेडीज़, जैसे ये मेरी देवरानी है, मैं जिठानी हूँ, तो हम दोनों ने मिलके किया था ये। और फिर ये करने के बाद ये जो पलटा है, एक पलटा ये पकड़ेगी और एक पलटा मैं लूँगी, और दूसरी साइड से पकड़ के ये सारी जो बड़ी चाची ताई हैं ये हमें गाइड कर रही कि कैसे करना है। तो नमक में जो ये बाउंड्री है बीच में, एक बार इस साइड लगाना है, एक बार इस साइड लगाना है, बस उसको मतलब भिड़ने नहीं देना है एक एक बार भी। तो क्या चल रहा है भाभी, आप बताओ क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, आपको बिस्किट मिला पान का? नहीं मिला, छीन लो। फिर वो सब करने के बाद ऊपर छत पे आए थे, ये चूल्हे पे मिट्टी लेपनी होती है, ये मिट्टी है यहाँ पे। सो सारी जितने भी सुहागिने हैं, जिस जिसको धागा बंधा है, हाथ पे धागा बंधता है सुहागिनों के, वो करता है ये काम। तो अभी जेंट्स आएंगे और तेल चढ़ाएंगे इसको, ठीक है, मीनू को तेल चढ़ाना, इन दी सेंस इसमें एक में तेल है, यहाँ पे 5 कुछ चीज़ें रखी हुई हैं थाली में अलग अलग, उसमें हल्दी, मेहंदी और दही, पता नहीं क्या क्या ये सब होता है, ठीक है। तो पहले जेंट्स लोग करेंगे और फिर लेडीज़ करेंगे अलग अलग। सो अभी पापा ने किया था, अब ये संदीप कर रहे हैं इधर, और फिर यहाँ पे लेडीज़ की बारी आ गई, तो फिर मैंने किया था, और बहुत आंसू रोक के रखे हुए थे इधर, मीनू तो शायद रो ही रही थी अंदर ही अंदर, और मैं जानबूझ के ही नहीं रोई, मैं कहा चलो इमोशनल नहीं होना ज़्यादा, ये भी रोने लगेगी फिर, ठीक है। सो ये होने के बाद फिर करते हैं जो दही होती है ना, दही सर में डालते हैं, मतलब जेंट्स डालते हैं और लेडीज़ उसको रब करती है, ये कपल वाइज होता है, ठीक है। सो अब संदीप डालेंगे और मैं उसके सर में रब करूँगी अच्छे से। तो ये सब यहाँ के रिचुअल्स हैं हरियाणा के, ठीक है, किसी को थोड़ा अटपटा अजीब लगेगा बट सबके यहाँ अलग अलग ही होते हैं, तो हमारे यहाँ यही प्रोसीजर होता है पहले दिन बांध वाले दिन। और अब ये कर रही है पूनम आरता, ठीक है, नज़र उतारते हैं और ये दोनों साइड पानी डाल के पीना होता है, और आरता मीन्स आरती कर रही है, उसकी आरती उतार रही है ऐसे, ठीक है। तो सेम ऐसे दूल्हे का भी होएगा जो पूनम ही करेगी, जो लड़की का करती है वही फिर दूल्हे का करती है, ठीक है। ऐसे अब ये नज़र उतार के नीचे आग में डाल रही, नीचे आग रखी हुई है,
उसमें नज़र उतार उतार के डाल रही है। फिर इसको वहाँ पे लेके जाना है जो हमने बनाया था डिज़ाइन थापे का, जहाँ पे थापा लगता है, ठीक है। वो अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, रात वाली वीडियो में मैंने डाली हुई है। सो यहाँ पे अब इसको इसके हाथ पे घी लगा के अच्छे से, तो एक ऐसे छाप छोड़ना है, हैंड प्रिंट, उसको थापा बोलते हैं, हैंड प्रिंट को। ये देखिए ये थापा लग गया इसके यहाँ पे। तो ये रात को बनाया था हमने पूरा, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। सो ये इसको अब करेक्ट करेगी पूनम अच्छे से, मीनू ने लगा दिया। और अब इसको चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी ग्रीन वाली, ठीक है। ये पहले दिन सारी चीज़ें होती है, सारी रस्में होती हैं, ठीक है। तो इसको तीन तीन या पता नहीं चार चार चूड़ियाँ पहनानी होती हैं ग्रीन वाली, वो भी पूनम ही पहनाएगी। और अब ये इसके हाथ में होता है, इसको कंगना बोलते हैं शायद, और एक ये बड़ा नाला जो अभी रखा है मौसी ने, ये भी बनने का, सात गांठें लगती हैं इसके अंदर। और ये जब शादी के बाद है ना, एक रस्म होती है अंगूठी ढूंढने वाली और कंगना खोलने वाली, तब ये कंगना दूल्हा खोलता है दुल्हन का और दुल्हन खोलती है दूल्हे का, तो अच्छे से गांठें लगाई जाती हैं ताकि खुले ना आसानी से। तो हार जीत वाला सीन होता है, एक गेम टाइप होता है। तो ये सात गांठें लगाएंगी इसमें पूनम, लग गया। फिर अभी ये पता नहीं, ये भी मुझे नहीं मालूम, ये ढक्कन होता है ना मिट्टी का, उस ढक्कन के ऊपर अच्छा सारा आटा लगा के, ये जो धागा होता है ना, इस मोटा, अच्छा मोटा, काफ़ी लेयर होती है इसके अंदर, इसको ऐसे लगाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये आप लोगों के सामने ही लग रहा है, तो ये मुझे भी नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट ये धागा ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। और फिर ये इसका पैर का रह गया था, इसको बोलते राखड़ी, ये पैर में डालते हैं, ये नज़र का ही होता है कुछ। सो अब ये रात वाली क्लिप है, रात को जो मैंने बोला था कि मैंने नहीं बनाई थी वीडियो, बट मैंने डाल दी थी, किसी और ने बनाई थी। तो अब यहाँ पे क्या सीन होएगा, बाजरा भिगोते हैं काफ़ी सारा, एक बकेट भर के, कुछ होता है कितना किलो होता है। तो ये रस्म होती है रात को बाजरा भिगो के रखना होता है, ये रत जगा की रात है, यानी कि रात को जागना होता है, इस दिन पूरी रात जागते सुबह 6 बजे तक, ठीक है, सारी लेडीज़ होती हैं। तो ये 7 बार ऐसे ही पिलिया उड़ रखा है मैंने, पिलिए के अंदर डाला 7 बार और बकेट में डाल दिया, ठीक है। ये भी 7 सुहागिनें करती हैं, ठीक है। तो हम लोग रोहतक से आए ही थे 10:30 बजे, तब ये रस्म हुई थी। फिर अब वो जो थापे लगे थे ना मीनू के, अब यहाँ पे आ गया, वो बना रहे हैं हम रात को, ठीक है। तो ये गेरू है जिसके अंदर पानी डाल दिया है, और इससे पहले मैंने आउटलाइन करी थी बस, बाकी फिर अंदर से किसी और ने फिल किया था, चाची थी उन्होंने, ठीक है। तीन हाथ नहीं लगने होते, तो दो बंदे मिलके बनाए या चार ही बनाए, ठीक है। तो मैंने आउटलाइन करी थी बस इसकी, और फिर अंदर से किसी और ने फिल किया था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके विदाउट स्केल, विदाउट, ये पूरा टैलेंट दिखाना होता है यहाँ पे। तो जब कुछ 12-1 बजा हुआ था तब हम ये काम कर रहे थे, तो पूरी रात जगे थे और गीत गाते हैं, ठीक है। पूरी मोहल्ले की लेडीज आती हैं, घर वाली होती हैं, तो सुबह 6 बजे जाती हैं, वो पूरी रात बैठ के गीत गाती हैं, और ये सारे प्रोसीजर चलते हैं जो जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो अब ये जो चाची है इसको अंदर से पूरा अच्छे से फिल कर देंगी कॉटन से, ठीक है। अब इसका मतलब पूरा हुलिया ही चेंज कर देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा बनाना था, ये जगह मतलब थापे की जगह नहीं बच रही थी, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बाद में, ये देखो। फिर आ गए यहाँ पे लड्डुओं पे, मतलब जो हलवाइयों ने बनाए हैं अभी, मिठाई वगैरह, ये पापा ने वीडियो भेजी थी मेरे को, मतलब कोई कोई कहीं कहीं पे कैप्चर कर रहा था सिर्फ वीडियो के लिए। ये हैं मठियाँ जो नमकीन होती हैं, और फिर ये है मीठे वाली, इनको बोलते बालूशाही, ठीक है। ये चाशनी से निकाल के और ऐसे डाल रहे हैं साइड में, तो काफ़ी क्वांटिटी में बनती है, आप देख रहे हो, इसको भाजी बोलते हैं, भाजी बन रही है सबके लिए गांव में, जो डिब्बे बनाएंगे हम, डिब्बे तैयार करेंगे रिलेटिव्स को देने के लिए, तो घर पे ही मिठाई बनाते हैं हलवाई, हमारे यहाँ पे 2-3 दिन पहले कढ़ाई चढ़ जाती है, ठीक है। और ये बूंदी बना रहे हैं यहाँ पे लड्डू के लिए, और ये शक्करपारे के लिए वो गोलियाँ बना रहे हैं, इससे शक्करपारे बनाएंगे। तो ये सब कुछ आज के दिन बन रहा था, ठीक है। और अब दिखा रहे हैं ऊपर छत का, जो नीचे का सारा किचन था वो छत पे लगा दिया था, और भैया लगाए थे खाने के लिए ताकि नीचे रश ना हो। सो भैया यहाँ पे ऊपर आराम से किचन में अपना बैठ के खाना बनाते हैं, और सारा जो आप देख सकते हो किचन का सारा सामान ऊपर सेट कर दिया था, ठीक है। और बस यही था आज के पूरे दिन में, इट्स ऑल अबाउट टुडे। सो आज का जो भी था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। वीडियो को मैं एंड नहीं कर पाई थी इसलिए अभी बोल रही हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।